हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने विजन आईएएस का मई 2022 का मंथली करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के जरिए इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे। मेरा नाम है निरंका, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसको शॉर्ट में IPEF कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं IPEF बोलूँ तो आप समझ जाइए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बोल रहा हूँ। समझते हैं ये IPEF न्यूज में क्यों रहा। हाल ही में इंडिया एग्री हुआ है और इंडिया ने अपनी मर्जी जताई है कि हम लोग भी जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। और ये जो IPEF ग्रुप है, ये एक US लेड इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें टोटल 14 कंट्रीज आती हैं। तो याद रखिए IPEF में टोटल 14 कंट्री हैं। अब IPEF के बारे में जान लेते हैं। IPEF मैं बता चुका हूँ, एक US लेड फ्रेमवर्क है फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू सॉलिडिफाई देयर रिलेशनशिप एंड एंगेज इन क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स दैट कंसर्न्स द रीजन। ऑब्वियसली जो भी कंट्रीज इंडो पैसिफिक में आती हैं तो उन कंट्रीज को जोड़ा जाता है। स्पेशली मैंने बताया ना 14 कंट्री जो है इसका पार्ट है, तो उनको इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर्स को में आपस में जोड़ा जाता है, और उसी लिए ये ग्रुप बनाया गया IPEF का। ठीक है, सच एज बिल्डिंग रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ऑब्वियसली रिजिलियंट सप्लाई चेन बिल्ड करना चाहते हैं। बेटर्ड बाय पेंडेमिक, इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो याद रखिए आप इस ग्रुपिंग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मतलब कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। अब देख लेते हैं IPEF का कौन कौन मेंबर है। देख लीजिए, US है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी और वियतनाम, ये सारे के सारे देश हैं। और ये सारे के सारे जो देश हैं, जब आपस में ग्रुप बन जाते हैं तो दोस्तों ये जो कंट्री हैं अकाउंट करती हैं पूरे वर्ल्ड का, ग्लोबल का 40% ऑफ द GDP। ठीक है, एडिशनली द फ्रेमवर्क वुड बी ओपन टू अदर कंट्रीज विलिंग टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली ये जो फ्रेमवर्क है दूसरी कंट्रीज के लिए भी ओपन है कि आप भी आइए और आप भी ज्वाइन कर सकते हो। द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोर्डली रेस्ट ऑन द 4 पिलर्स। तो जो इनका जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसके टोटल 4 पिलर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिलर्स लिखे हुए हैं। पहला क्या पिलर है कि भाई हम लोगों को इस ग्रुपिंग के जरिए कनेक्टेड इकोनॉमी को प्रमोट करना है। देख लीजिए, हाई स्टैंडर्ड रूल्स होंगे इन द डिजिटल इकोनॉमी, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज एंड डाटा लोकलाइजेशन। इस पर फोकस करा जाएगा। भाई जब ये सारी चीजें करोगे ना, डाटा लोकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज, इससे होगा क्या, कनेक्टेड इकोनॉमी होगी। आपको पता है आजकल जो डाटा है एक नया ऑयल है। स्ट्रॉन्ग लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रोविजन पे फोकस करा जाएगा। दूसरा जो पिलर है वो है रेजिलिएंट इकोनॉमी का, सप्लाई चेन कमिटमेंट्स टू क्रिएट अ मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी एंड गार्ड अगेंस्ट प्राइस स्पाइक। ऑब्वियसली इस पे भी फोकस करा जाएगा कि कोई कंट्री जो है प्राइस का स्पाइक ना करे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, तो रेजिलिएंट इकोनॉमी पे फोकस करा जाएगा। एस्टेब्लिश करा जाएगा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, मैपिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ऑब्वियसली जो भी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको मैप करा जाएगा, और इंप्रूव करा जाएगा ट्रेसिबिलिटी इन की सेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स। क्लीन इकोनॉमी जो है तीसरा पिलर है। क्लीन इकोनॉमी का मतलब पता है आपको ना, जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लीन एनर्जी पे इसके जरिए फोकस करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे जो कि प्रमोट करेगा गुड पेइंग जॉब्स। कंक्रीट हाई एम्बिशन टारगेट दैट विल एक्सेलरेट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे फोकस करा जाएगा, कार्बन रिमूवल पे, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स पे, और न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट मीथेन एमिशंस पे। चौथा जो पिलर है वो है फेयर इकोनॉमी का। फेयर इकोनॉमी में क्या क्या करेंगे हम दोस्तों, ये हम लोग एनेक्ट करेंगे और एनफोर्स करेंगे इफेक्टिव टैक्स कोड। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, एंटी ब्राइबरी रिजिम को भी खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एनफोर्स करेंगे रिजिम दैट कट डाउन द करप्शन एंड एंश्योर करेगा फेयर टैक्सेशन। तो ये 4 पिलर्स हैं, आपको पता चल गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने 4 पिलर्स देख लिए। तो कंट्रीज आर फ्री टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन इनिशिएटिव। तो ऑब्वियसली किसी को जबरदस्ती नहीं है, अगर आप इस IPEF का पार्ट बनना चाहते हो तो बन जाओ, नहीं तो नहीं। ठीक है, अंडर एनी स्टिपुलेटेड पिलर्स बट आर एक्सपेक्टेड टू एडहेर टू ऑल कमिटमेंट्स वंस दे एनरोल। ऑब्वियसली अगर आप एक बार एनरोल हो जाते हो तो ये सारे जो पिलर्स हैं इनको ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा। IPEF इज मोर अबाउट स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड, विल नॉट इन्वॉल्व मोर मार्केट एक्सेस टू इट्स फॉर इट्स मेंबर। मैं बता चुका हूँ ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है,
इसके जरिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं और ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ये है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। नॉर विल इट नेगोशिएट लोअर टैरिफ, ना ही दोस्तों लोअर टैरिफ पे फोकस करा जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ट्रेड टैरिफ कहां से नेगोशिएट करे जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है फिर IPEF का? तो पहला सिग्निफिकेंस है कि बेटर इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। एक बार हम दोस्तों सोचिए ना, एस्टैब्लिश कर देते हैं नए रूल्स कॉमर्स से रिलेटेड, और अगर हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे बेटर इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनेगी, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक बनेगा। सोचिए ना, इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं, फेयर इकोनॉमी पे, क्लीन इकोनॉमी पे, तो क्या होगा, इससे रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक बनेगा। बिल्डिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज कनेक्टेड एंड प्रॉस्परस, सिक्योर एज वेल एज रेजिलियंट एंड हैज सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा जो फायदा है, सिग्निफिकेंस है, वो है मेकिंग सप्लाई चेन मोर रेजिलियंट। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, सप्लाई चेन जो है रेजिलियंट बनेगा। कैसे रेजिलियंट बनेगा? जब हम लोग जो है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन इंप्रूव करेंगे, ट्रेसबिलिटी ये सब कुछ करेंगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई चेन है जो वो तो रेजिलियंट बनेगी। इसके जरिए होगा क्या, जब हम सप्लाई चेन रेजिलियंट बना देंगे तो इससे होगा प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट कॉस्टली डिसरप्शंस दैट लीड टू हाई प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स, तो ठीक है। इसके अलावा एक और फायदा देख लीजिए, काउंटर कर सकेंगे हम चाइना को भी। तो IPEF ग्रुप के जरिए, ये IPEF ग्रुप जो है हमको हेल्प करेगा कि हम लोग जो है काउंटर कर सके चाइना को, द ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक। आपको पता है चाइना का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में, तो उसको भी काउंटर करने के लिए ये ग्रुप काफी मदद करेगा। एक और सिग्निफिकेंस देख लीजिए, स्ट्रेंथन करेंगे पार्टनरशिप ऑन की ग्लोबल इश्यूज। आपको पता है बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे कि आपको पता है डीकार्बोनाइजेशन है, क्लीन एनर्जी है, इन सबको भी हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे इस पार्टनरशिप के जरिए, इस ग्रुपिंग के जरिए, ठीक है दोस्तों। सिग्निफिकेंस क्या है IPEF का भारत के लिए? अब भारत के बारे में बात करते हैं, ये तो हमने ओवरऑल ग्लोबल की बात कर ली थी, तो भारत के लिए फायदा यह है कि हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रीजनल ट्रेड, ठीक है। फॉर इंडिया विच वर्कड आउट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आपको पता है RCEP का जो है इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था बहुत सारे कंसर्न्स लेकर, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भारत नहीं हिस्सा है। तो अगर हम IPEF का हिस्सा बन जाते हैं तो हमको रीजनल ट्रेड करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। IPEF membership keeps it room on Asian trading arrangement and is way of bunting criticism that is overtly protectionist. आपको पता है इंडिया का क्रिटिसिज्म इसलिए करा जाता है कि कई देश बोलते हैं कि इंडिया जो है ओवरटली प्रोटेक्शनिस्ट एक तरीके से पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, कि भाई बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है इंडिया बाहर वाले ट्रेड से, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी साइन नहीं करता, क्योंकि भाई आपको पता है हमारा भारत जो देश है डेवलपिंग कंट्री है, हमको अपने भी जो व्यापारी लोग हैं उनका भी सोचना पड़ता है, इसीलिए तो हम लोगों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मतलब साइन नहीं करा है। दूसरा इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है, अलाइन टू डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली हम लोग जो है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को लेकर भी अलाइन हो सकते हैं, तो IPEF नॉन स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सिबल नेचर ऑल्सो सूट्स इंडिया। तो ऑब्वियसली मैं बता दिया है ये एक नॉन स्पेसिफिक और फ्लेक्सिबल इन नेचर है IPEF, इसमें कोई फिक्स ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ी ना दोस्तों, तो ये भारत के लिए सूट भी करता है, हमारी मर्जी है जब हम इसका मतलब इसके जो बेनिफिट हैं उसको फायदा उठाना चाहते हैं नहीं उठाना चाहते हैं, अगर हम बाहर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। प्रोवाइडिंग इनफ स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस ऑन द रेंज ऑफ इश्यूज लाइक एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस, फॉसिल फ्यूल, डाटा लोकलाइजेशन, तो अलग अलग इश्यूज को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप जिसको फॉलो करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, मतलब फॉलो करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। एक और फायदा देख लीजिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो IPEF जो है प्रोवाइड करता है इंडिया को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इकोनॉमिक अरेंजमेंट को लेकर भी, ठीक है, जो कि आपको पता है आउटसाइड है इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, और इन इकोनॉमी में बता दे जो है IPEF में ग्रुप जो है इनमें चाइना का भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो चाइना इंडिया को एक तरीके के बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि भाई जहां चाइना घुस जाता है वहां अपनी जो चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक्स को ज्यादा घुसेड़ देता है, लेकिन यहां पे चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है IPEF ग्रुप में, तो ऑब्वियसली इंडिया को बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। पार्टिसिपेशन इन रेजिलिएंट चेन सप्लाई, मैं तो बताई चुका हूँ दोस्तों रेजिलिएंट सप्लाई चेन के बारे में ऊपर। बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन इज वन ऑफ द मोटिव ऑफ IPEF, इंडिया कैन कंसीडर मेंबर्स एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इट्स रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्वियसली इंडिया जो है इन लोगों को अपना रॉ मटेरियल सप्लाई को पूरा करने के लिए एक तरीके से सोर्स बना सकता है। कुछ इश्यूज भी जुड़े हुए हैं IPEF से रिलेटेड, पहले वो इश्यूज भी देख लेते हैं। पहला है लैक ऑफ क्लियरिटी। देखिए ये जो है मैंने बता दिया एक ऐसी ग्रुपिंग है जो एक तरीके से कह सकते हो इनफॉर्मल नहीं है, इसको लेकर कोई भी रूल जो है वो बाउंडिंग नहीं, तो इसलिए लैक ऑफ क्लियरिटी है। कंसर्न्स आर ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द ग्रुपिंग व्हिच US ऑफिशियल्स हैव मेड
क्लियर वुड नीदर कंस्टिट्यूट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नोर अ फोरम डिस्कस टैरिफ रिडक्शन और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस। तो भाई यूएस के ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया है कि ये जो आईपीएफ वाला ग्रुप है, ना तो इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, ठीक है, ना ही ये एक फोरम है जहां टैरिफ के बारे में डिस्कशन हो सके कि यार टैरिफ को लेकर रिडक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है, और ना ही इसमें इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस को लेकर बात होती है। तो इसीलिए क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई ये ग्रुप आखिर बना किस लिए है। अगला इशू जो है आईपीईएफ को लेकर वो है शॉर्ट इन काउंटरिंग चाइना। दो ये जो ग्रुपिंग है बहुत ही ज्यादा ऐसा बोला जाता है शॉर्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए। इन इट्स करंट फॉर्मेट द आईपीईएफ माइट नॉट बी एबल टू काउंटर चाइनास इकोनॉमिक डोमिनेंस इन द रीजन ओइंग टू द लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव्स ऑफर्ड इन आईपीईएफ। तो दोस्तों ये जो है ऐसा बोला जाता है ये जो ग्रुपिंग है आप भले ही काउंटर करने का मतलब उद्देश्य हो आपको चाइना का, लेकिन आप इस ग्रुपिंग के जरिए चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप जो है लैक कर रहे हो इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव्स, आप कुछ डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं दे रहे जिसके जरिए कंट्रीज जो है चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। एक और इशू है वो है फियर ऑफ यूएस डोमिनेशन। तो आपको पता है इस ग्रुप में ज्यादातर जो है लोग जो जितने भी देश हैं वो उनके अंदर फियर है किसका, यूएस डोमिनेशन का। यूएस माइट ट्राई टू डोमिनेट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G, हाउएवर दीज माइट नॉट सूट लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रीज। तो ऑब्वियसली कंट्रीज जो है काफी डरती है कि कहीं यूएस जो है इस ग्रुपिंग में टेक्नोलॉजी को लेकर डोमिनेट ना करे, तो ऐसा भी फियर बैठा हुआ है। एडवांसिंग यूएस इंटरेस्ट, तो ये भी एक इशू जुड़ा हुआ है कि ऐसा माना जा रहा है कि यूएस के जो इंटरेस्ट है वो एडवांस हो रहे हैं इस ग्रुपिंग के जरिए। यूएस अपीयर्स टू बी मेकिंग द डील मोर अबाउट बेनिफिट टू द यूएस इकोनॉमी देन टू द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ होल। तो ऐसा माना जाता है इस ग्रुपिंग के जरिए कि यूएस ज्यादा फायदा उठा रहा है, बाकी कंट्रीज को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है इस ग्रुपिंग के जरिए, ठीक है दोस्तों। ओवरलैप विद BDN एंड B2W, ये क्या है दोस्तों समझते हैं। द कंसेप्चुअल बैगेज ऑफ IPF सेटिंग रूल्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, मैंने बता दिया जो IPF है इसके जरिए हम क्या करना चाहते हैं, रूल सेटअप करने चाहते हैं, स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहते हैं और प्रिंसिपल्स बनाना चाहते हैं। हैज ऑलरेडी अपेयर्ड एंड हैव बीन टेस्टेड इन बोथ ब्लू डॉट नेटवर्क, तो याद रखिए BDN का मतलब क्या है, ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च इन 2019। तो दोस्तों जो भी रूल सेटअप करने की बात आ रही है, स्टैंडर्ड सेटअप करने की बात आ रही है, प्रिंसिपल सेटअप करने की बात आ रही है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने ब्लू डॉट नेटवर्क के जरिए सेटअप कर चुके हैं 2019 में। तो इसके लिए IPF का जो ग्रुप है क्यों बनाने की जरूरत थी। इसके अलावा बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये B3W का फुल फॉर्म है, इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021, और ये जो इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर ये 2021 में लॉन्च करा गया था। ये दोनों जो इनिशिएटिव है B3W और BDN, इनको डिफाइन करा गया है इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग चाइना एंड इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ऑब्वियसली याद रखिए ये जो B2W और BDN जो इनिशिएटिव है ये क्यों लॉन्च करे गए थे, ताकि चाइना और उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करा जा सके। नीदर हैज सो फार प्रोड्यूस्ड मच टेंजिबल सब्सटेंस एंड मोमेंटम। तो इन दोनों ने भी, ये जो दोनों इनिशिएटिव ले गए थे B3W और BDN का, इन दोनों ने कुछ अच्छा काम करके नहीं दिखाया, टेंजिबल सब्सटेंस वाला काम करके नहीं दिखाया कि इन्होंने सचमुच में चाइना को और उसके बेल्ट एंड रोड को काउंटर करा हो। तो दोस्तों इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए अगर IPEF का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इससे पहले जो आपने अगर BDN को बनाया था, B3W को भी बनाया था, तो इनको भी तो आपने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया था ना, तो एक तरीके से ये ओवरलैप कर रहा है ना, ठीक है। BDN was defined as a mechanism to promote robust standards for quality infrastructure project. तो देख लीजिए BDN का आप define कर सकते हो, या BDN को क्यों बनाया गया था, तो BDN को इसलिए बनाया गया था कि ये एक ऐसा mechanism है जिसके जरिए हम promote करेंगे robust और standard for quality infrastructure projects. And B3W as initiative to promote high standards and principles in areas that overlap with IPEF's issues area. तो obviously आप देख लीजिए B3W वाला भी जो है इसके जरिए भी हाई स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल सेटअप करना चाहते हैं। तो भाई ये दोनों एक तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए IPEF भी यही बात करता है कि हम लोग जो है स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे, है ना, हाई स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे, प्रिंसिपल सेटअप करेंगे, तो ये दोनों भी, तो BDN और B3W भी तो यही बात करते हैं, तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है ओवरलैप करते हैं IPEF के साथ। पॉसिबल वायलेशन ऑफ WTO रूल्स, तो ये एक और इशू आ रहा है कि IPF जो है एक तरीके से WTO के जो रूल्स हैं उनका भी वायलेशन कर सकता है।
IPF is not opposed to free trade agreement. ठीक है, in the absence of the free trade agreement, WTO rules will not permit granting for of preferential treatment amongst IPEF members. एक और देख लीजिए, absence of dispute settlement mechanism. तो इसमें IPF में कोई भी जो दोस्तों dispute settlement का mechanism नहीं है, तो इसकी भी absence देखने को मिलेगी. Another critical question is what kind of dispute settlement mechanism would be incorporated in IPF to avoid unilateral actions by signatory countries. तो अगर जो भी इसमें 14 कंट्रीज मेंबर है, अगर वो कोई यूनिलेटरल एक्शन लेती हैं, ठीक है, तो उन यूनिलेटरल एक्शंस को अवॉइड करने के लिए यहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो आप उन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को कैसे डील करोगे या कैसे इशू करोगे, मतलब उनको कैसे सेटल करोगे दोस्तों. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. तो कंक्लूजन में कह सकते हैं थ्री टीज क्या है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलेस mentioned by the Indian Prime Minister during the launch ceremony are very important for success of this initiative. तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर IPF को successful बनाना है तो इनमें तीन चीजें होनी चाहिए, trust, transparency और timeliness. और ये किसने बोला था, भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला था. Trust and transparency will be built only if members, particularly the US, accommodate each other's interest. Obviously US को दूसरे countries का interest का भी ध्यान रखना पड़ेगा. If achieved, both will lead to timely delivery of the intended outcomes. Obviously, अगर trust, transparency वगैरह maintain करा रहा, तो obviously ये जो help करेगा किसमें? Delivery of the intended outcomes में. If the US is not accommodated and driven by its own interest, the IPF may not be success. तो obviously अगर US जो है अपने interest पे ज़्यादा focus करता है, तो IPF भी जो है एकमात्र grouping ही रह जाएगा, इसका कुछ अच्छा result नहीं आएगा. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सिग्निफिकेंस ऑफ IPF फॉर US पढ़ने से पहले ऊपर का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको भी समझ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ रीजनल ग्रुप दिए हुए हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए. इकोनॉमिक ब्लॉक्स इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो दोस्तों कौन कौन से इकोनॉमिक ब्लॉक्स बने हुए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में देख लीजिए. ठीक है, IPF में 14 मेंबर्स हैं, मैंने बता चुका हूँ. 14 मेंबर्स कौन कौन से हैं देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिजी, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं IPF में. वहीं रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में टोटल आपको पता है 15 मेंबर्स हैं. इंडिया और US इसका पार्ट नहीं है, बाकी ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इसका पार्ट है. ठीक है, CPTPP में भी दोस्तों 11 मेंबर है, आप देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर हैं, ये 11 मेंबर्स हैं जो ग्रीन लाइन में दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे और कंसर्न्स फॉर इंडिया, तो इंडिया के क्या क्या कंसर्न जुड़े हैं वो भी देख लीजिए IPEF को लेकर. स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ IPEF इंक्लूड परस्यूइंग रूल्स इन द डिजिटल इकोनॉमी सच एज स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज एंड डाटा लोकलाइजेशन. आपको पता है IPEF में क्या बात करी गई है कि हम लोग जो है परस्यू करेंगे रूल्स इन डिजिटल इकोनॉमी, जैसे कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज और डाटा लोकलाइजेशन, इसके बारे में बात करी जा रही कि नहीं करी जा रही, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको. दिस इज समथिंग इंडिया हैज बीन avoiding in all its pre-trade deals as it does not want to lose sovereignty over its data. और आपको पता है इंडिया बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशान रहता है कि हम किसी भी ग्रुपिंग में ऐसी चीजों को ना बढ़ावा दें जिसके जरिए भारत का जो डाटा है उसका एक तरीके से फ्लो होता रहे दूसरी कंट्रीज में. तो आजकल जो है भारत आपको पता है डाटा लोकलाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न जुड़ा हुआ है भारत का. The IPEF also wants to frame rules on labor standards, environment norms and decarbonization, which India has never been on, including in its free trade pacts. Obviously, ये भी दूसरा बड़ा concern है कि भाई आपको पता है IPEF में हम लोग जो है rules बनाना चाहते हैं labor standard को लेकर, environment norms को लेकर और decarbonization को लेकर. तो इसको लेकर भी भारत बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि अगर labor को लेकर, environment को लेकर, decarbonization को rule बनाने लगे तो भारत जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए दोस्तों जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी भारत साइन करता है ना किसी के साथ, तो उसमें भी इन चीजों का काफी ध्यान रहता है. तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न जुड़ा हुआ है इंडिया को. एक और कंसर्न जुड़ा हुआ है, US could also use IPF to pressurize India on supporting a permanent moratorium on customs duty on electronic transmission at WTO. तो ऑब्वियसली ये भी इंडिया को कंसर्न जुड़ा हुआ है कि US कहीं हमको प्रेशराइज ना करे इस चीज को लेकर. ठीक है, अब समझ लेते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है IPF का US के लिए, क्या भाई US जो है इस ग्रुपिंग को क्यों लीड कर रहा है. तो IPF आपको पता है इज अ पार्ट ऑफ US मोर देन डिकेड ओल्ड पाइवट टू एशिया प्रोग्राम. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक दशक से भी पुराना
एक तरीके से पाइवट है टू एशिया प्रोग्राम, ठीक है। री इमेजिंग अभी मैंने सीपी टीपीपी जो था अभी ऊपर मैंने बताया था इसका कौन कौन पार्ट है कौन कौन नहीं। तो इसमें से जो जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो इस ग्रुपिंग से बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से जो यूएसए का इकोनॉमिक लीडरशिप था ईस्ट एशिया और एशियन रीजन में वो खत्म हो चुका था, ठीक है। ओरिजिनली इसको सीपीटीपीपी को टीपीपी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इन 2017। तो 2017 में ये यूएसए जो है इस सीपीटीपीपी से बाहर आ गया था। सिंस देन देयर हैज बीन कंसर्न ओवर द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल यूएस इकोनॉमिक ट्रेड स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइनास इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो तब से ही ये डाउट लगाया जा रहा है कि भाई यूएसए जो है इस इंडो पैसिफिक में चाइना को कैसे काउंटर करेगा, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए आपको किसी ना किसी ग्रुप का तो मेंबर बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट पहला इसीलिए है कि यूएसए इस ग्रुपिंग का पार्ट बनके किसको काउंटर करना चाहता है, एक तरीके से चाइना को काउंटर करना चाहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और दूसरा सिग्निफिकेंस देख लीजिए, आईपीएफ इज अ पार्ट ऑफ यूएस वे ऑफ शोइंग दैट डिस्पाइट इट्स करंट फोकस ऑन द वॉर इन यूरोप एंड हॉट परस्यूट ऑफ रशिया थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस, इट हैज नॉट लॉस्ट साइड दैट एशिया एंड चैलेंज फ्रॉम द इंडिया चाइना इज प्रोमिनेंट इन द यूएस एजेंडा। तो ऑब्वियसली इसके जरिए इस ग्रुपिंग के जरिए यूएस ये भी संदेश देना चाहता है कि भैया यूएस जो है यूरोप की जो वॉर चल रही है उस पर तो फोकस कर ही रहा है, इसके अलावा रशिया पे भी फोकस कर रहा है इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए, इसके अलावा यूएस जो है चाइना को भी भूला नहीं है, चाइना को भी हम लोग काउंटर करेंगे इस ग्रुपिंग का पार्ट बनके। तो ऑब्वियसली तीनों चीजों को यूएसए अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है इस ग्रुपिंग के जरिए। Why US focuses on Indo-Pacific? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि US जो है Indo-Pacific पे इतना फोकस क्यों करता है? तो आपको पता है nearly half of the population, जितनी वर्ल्ड में population है, धरती की half population आपको पता है यहीं पे रहती है, कहाँ पे? Indo-Pacific में। One third जो GDP है global की, और some of the world's most capable militants जो हैं, region is critical in advancing US commercial, diplomatic or strategic interest। तो obviously इतनी सारी चीजें हैं, जब यहाँ पे population इतनी ज्यादा है, GDP यहाँ पे ज्यादा है, world के most capable militaries यहाँ पर है, तो यहाँ पे world की most capable militaries हैं, तो obviously USA के लिए commercial रूप से भी, diplomatic रूप से भी और strategic interest से भी ये region बहुत ज्यादा important बन जाता है Indo-Pacific। Indo-Pacific supports more than 3 million American jobs and is source of nearly $900 billion in FDI in USA। सोचिए USA के लिए कितना important है ये part, क्योंकि देखिए ना ये जो इलाका है ये support करता है more than 3 million American jobs। तो सोचिए 3 million से भी ज्यादा जो jobs है American jobs उसको ये support करता है Indo-Pacific। और आप देख लीजिए nearly $900 billion जो है FDI USA में यहीं से आती है। US allies and partners in the region view the US military and diplomatic presence in the region as a welcome, but they also expect US to be an action and reliable partner in the region economic affairs। आपको पता है बहुत सारे जो USA के partner हैं Indo-Pacific में वो भी चाहते हैं कि USA की जो presence है यहाँ पर बनी रहे, जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है ये भी USA पे काफी depend करता है, जापान जो है वो भी काफी depend करता है, तो ये लोग चाहते हैं कि USA की जो एक तरीके से प्रेजेंस है यहाँ पर बनी रहे। रीजन फॉर स्लो पेस ऑफ एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक, क्या कारण है कि बहुत ज्यादा स्लो पेस में एंगेजमेंट हो रहा है इंडो पैसिफिक में? तो पहला कारण यह है कि US स्ट्रेटजी फेल्स टू अकाउंट फॉर रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जैसे कि पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट इन द लास्ट टू डेकेड्स द रीजन हैज इंक्रीजिंगली बिकम इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको पता है पिछले दो दशकों में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन करे गए हैं, सेवरल ऑफ विच इनकॉर्पोरेट चाइना बट नॉट यूएसए। तो बहुत सारे जो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे गए हैं जिसमें चाइना को तो इंक्लूड करा गया है लेकिन यूएसए को इंक्लूड नहीं करा गया है। तो यही बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से यूएसए का जो है बहुत ज्यादा स्लो पेस में इंगेजमेंट देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक में। दूसरा ये भी कारण है
कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक। तो ऑब्वियसली आपको पता है इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर ऑफ इंडो पैसिफिक। किसी के लिए इंडो पैसिफिक कंट्री की जो मतलब एक तरीके से जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है इंडो पैसिफिक की, वो किसी कंट्री के लिए थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो है अलग अलग आपको पता है कंट्रीज इंटरप्रिटेशन करती हैं। अगला दोस्तों है इवेंट्स इनिशिएटिव इन रिसेंट पास्ट। तो कौन कौन से इवेंट्स या इनिशिएटिव लिए गए हैं रिसेंट पास्ट में वो देख लेते हैं। पहला, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टूड एशियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड एंगेज्ड क्लोजली विद चाइना जापान इंडिया। तो ऑब्वियसली जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने समझ लिया था कि भाई एशिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, और उसी टाइम से अमेरिका जो है चाइना जापान इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली इंगेज करने लगा था। फिर आपका आपको पता है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आता है और पाइवट टू एशिया स्ट्रेटजी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन्होंने करा था, सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड अमेरिका प्रायोरिटाइजेशन एशिया इन्वेस्टिंग न्यू डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक मिलिट्री सोर्सेस दे। तो ऑब्वियसली जब बराक ओबामा आए थे तो इन्होंने समझ लिया था कि हम लोगों को एशिया की जो स्ट्रेटजी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने लगा एक जो यूएसए है किसमें डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री रिसोर्स इन्वेस्टमेंट भी करने लगा। फिर आते हैं ट्रंप। ट्रंप विड्रॉ यूएस फ्रॉम द टीपीपी एग्रीमेंट इन अर्ली 2017। आप ये आपको मैंने बताया था ना टीपीपी, जिसको अभी आईटीपीपी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो इन्होंने 2017 में ही ये बाहर आ गए थे टीपीपी एग्रीमेंट से, जिसकी वजह से यूएस का जो प्रेजेंस है धीरे धीरे घट रहा था इंडो पैसिफिक से। तो इसी वजह से बाद में अभी आपको पता है फिर से ज्यादा फोकस करा जा रहा है इंडो पैसिफिक में। ठीक है, क्योंकि यूएस चाहता है यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाइना को काउंटर वगैरह करने के लिए। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैड प्रेजेंटेड आईपीईएफ एज द प्रपोज्ड व्हीकल फॉर यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन द रीजन। तो ऑब्वियसली बाइडन का कहना है कि जो आईपीएफ ग्रुपिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल है फॉर यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन द रीजन। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है। एससीओ न्यूज में क्यों आ गया देख लेते हैं। इंडिया ने हाल ही में होस्ट करा है मीटिंग ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में रेड्स कहा जाता है, एज इंडिया अज्यूम्ड इट्स रोल एज चेयरपर्सन ऑफ द एससीओ रेड्स मैकेनिज्म रिसेंटली। आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मैकेनिज्म है जिसको रेड्स कहा जाता है। रेड्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों रीजन में जो भी टेररिस्ट को लेकर एक्टिविटी चल रही है तो उसी को काउंटर करने के लिए ये रेड्स बनाया गया, और किसने बनाया एससीओ ने बनाया है। और हाल ही में इंडिया ने आपको पता है इसी का मीटिंग होस्ट करा था, किसका रेड्स का। अब समझ लेते हैं एससीओ के बारे में, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आप देख लीजिए एससीओ के कौन कौन मेंबर है। किर्गिस्तान मेंबर है, तो नाम याद कर लीजिए क्योंकि काफी बार मेंबर पूछ लिया जाता है। रशिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे के सारे जो देश हैं एससीओ के मेंबर हैं। अब एससीओ के बारे में जान लेते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिए शब्द इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। कहां पर करी गई थी? इन शंघाई चाइना। ठीक है, याद रखिए शंघाई चाइना में करी गई थी इन 2001 बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो याद रखिए 2001 में इन सारे देशों ने मिलकर एससीओ की स्थापना करी थी। किस किस ने? तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। जून 2017 में अस्ताना में इसकी मीटिंग हुई थी, और अस्ताना में जब मीटिंग हो रही थी तो इंडिया और पाकिस्तान जो है इनको भी एससीओ का जो फुल मेंबर है बना लिया गया था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ एससीओ के मेंबर बने गए थे। एससीओ काउंट्स फोर ऑब्जर्वर स्टेट। तो एससीओ में दोस्तों चार ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। कौन कौन से हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ये याद रखिए एक ऑब्जर्वर स्टेट है, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। एससीओ का मेन गोल क्या है? पहला गोल है कि हम लोग जो है स्ट्रेंथन कर सके म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट। तो ऑब्वियसली हम लोगों को म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस बढ़ाना है मेंबर स्टेट में। प्रमोट करना है इफेक्टिव कोऑपरेशन को, किस किस चीज में इफेक्टिव कोऑपरेशन? पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और अदर एरियाज।
इनमें हम लोगों को इफेक्टिव कोऑपरेशन करना है। इसके अलावा मेकिंग ज्वाइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंश्योर पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो ऑब्वियसली हम ये भी फोकस करेंगे कि पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे इलाकों में। और हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक फेयर और रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को। SCO हैज बीन एन ऑब्जर्वर इन द UN जनरल असेंबली सिंस 2005। तो याद रखिए SCO जो है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल रखा है UN जनरल असेंबली में 2005 से। अब देख लेते हैं भाई SCO जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए। तो भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, पहला सिग्निफिकेंस है फॉर्मुलेट एंड अप्रोप्रिएट यूरेशियन स्ट्रेटजी। तो ऑब्वियसली इंडिया को मदद करती है कि हम लोग जो है एक प्रॉपर जो है यूरेशियन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यूरेशियन आपको पता है ना, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशियन कहा जाता है। तो इंडियाज रीजनल इंटरेस्ट स्टेम फ्रॉम द इट्स गोल टू पार्टनर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन द सस्टेनेबल नेशनल बिल्डिंग थ्रू डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन मेंटेनिंग देयर सॉवरेंटी प्रिवेंटिंग द रीजन फ्रॉम बीइंग अ हब ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड रिटेनिंग सेंट्रल एशियाज वेक्टर ऑफ बीइंग अ ब्रिज बिटवीन एशिया यूरोप फॉर द बिल्डिंग ट्रेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक लिंकेज। आपको पता है देखिए अगर इंडिया को एशिया के साथ प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप करनी है, व्यापार करना है, ट्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट अच्छा करना है, तो ऑब्वियसली SCO का मेंबर बनना जरूरी है। क्योंकि SCO का मेंबर बनेगा इंडिया तो ऑब्वियसली जो भी टेररिज्म को लेकर चीजें चल रही हैं एशिया में है ना, स्पेशली आपको पता है इन्हीं इलाकों में चलती हैं, पाकिस्तान कजाकिस्तान वगैरह इन्हीं जगह पर चलती है टेररिज्म वगैरह टेररिज्म वगैरह की एक्टिविटी। तो अगर इंडिया SCO का अच्छे से मेंबर बनता है तो ये सारी की सारी चीजों को काउंटर कर सकेगा टेररिज्म वगैरह को, क्योंकि रेड्स की बात होती है इसी के अंतर्गत, उनको काउंटर कर पाएगा। इसके अलावा इंडिया जो है एक अच्छा रूट भी बना पाएगा इस SCO के जरिए, कि जिसके जरिए भारत जो है अपना व्यापार भी अच्छे कर पाएगा एशिया के साथ, इसके अलावा यूरोप के साथ भी अच्छा व्यापार कर पाएगा। क्योंकि आपको कनेक्टिविटी तो यहीं से बिल्ड करनी पड़ेगी ना, SCO के मेंबर देशों से ही कनेक्टिविटी यहां से बिल्ड करोगे तभी तो आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे अपना सामान वगैरह, ऑब्वियसली व्यापार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजों में मदद करेगा। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इन इंडियाज इंटरेस्ट दैट दिस रीजन डज नॉट इवॉल्व इनटू ज्योग्राफिकल चेस बोर्ड ऑफ ग्रेट गेम राइवलरीज। आपको पता है इससे पहले ये जो इलाका है बहुत ही बार जो दूसरे दूसरे देश हैं इसको चेस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान को आपको पता है USA ने बहुत बार इस्तेमाल करा है, USA ने आपको पता है, और इसके पहले रशिया, ये दोनों जो देश हैं अफगानिस्तान का काफी इस्तेमाल करते रहते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इंडिया ये भी चाहता कि हम लोग जो है इन ग्रुप का इसलिए पार्ट बने ताकि कोई भी जो देश है इन कंट्रीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी कम्बैटिंग टेररिज्म, ऑब्वियसली रीजनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें आपको पता है रेड्स की बात होती है अभी मैंने बताया, तो इसके जरिए कम्बैट करेंगे टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को। SCO विल इनेबल इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी ग्रुपिंग टू न्यूट्रलाइज centrifugal forces arising from the religious extremism and terrorism in the region. Obviously, जो भी religious extremism वाली forces हैं, terrorism वाली forces हैं, उनको भी counter करने में मदद मिलेगी। In addition, it will help India in managing much more effectively the negative impact of Talibanized Afghanistan. Obviously, India को Talibanized Afghanistan को manage करने में भी काफी मदद मिलेगी। तो देख सकते हो इसलिए ये सारा का सारा significant है भारत के लिए ये SCO ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेशन इन रेड्स में ब्रिंग सम न्यू लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग फॉर इंडिया। ऑब्वियसली अगर हम रेड्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे लिए कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मिल जाएगी। दूसरा फायदा जो है सिग्निफिकेंस भारत के लिए वह इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑब्वियसली SCO के जरिए हमको इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी करने को मिलती है। देख लीजिए कोऑपरेशन इन थ्री क्रिटिकल एरियाज, कौन कौन से थ्री क्रिटिकल एरियाज, एनर्जी बिल्डिंग ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन लिंक, इसके अलावा डीलिंग विद ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सारी चीजों में हम लोगों को SCO जो है काफी मदद कर सकता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर रिच इन आयरन ओर, आपको पता है जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पे आयरन ओर जो है काफी भरी मात्रा में पाया जाता है, कोल भी पाए जाते हैं, ऑयल और गैस यूरेनियम वगैरह भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंट मीटिंग ऑफ द लीडर्स एंड इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल अंडर SCO विल गिव अ फिलिप टू द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑब्वियसली इन सारी चीजों में जो है इंडिया कोऑपरेट कर सकता है इन कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। ठीक है, एक और देख लीजिए एनर्जी कोऑपरेशन भी कर सकता है, ये भी इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री, आपको पता है भारत जो है एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है भारत में क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है।
is also likely to get greater access to major gas and oil exploration project in Central Asia. तो obviously India को बहुत सारे project मिल सकते हैं, major gas और oil के exploration के project मिल सकते हैं. SCO can unblock India's access to Eurasia and provide a fillip to project like TAPI. आपको पता है TAPI जो project चल रहा है काफी time से, तो obviously SCO जो है unblock कर सकता है India's access to Eurasia और provide कर सकता है fillip to the project like TAPI. अगला सिग्निफिकेंस देख लीजिए, अफगानिस्तान इशू फॉर रीजनल सिक्योरिटी. तो आपको पता है अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इशू चल रहा है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है अभी भी अफगानिस्तान में जो है एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़कर आ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है. तो SCO मेंबर स्टेट्स एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल स्टेट फ्री ऑफ टेररिज्म वॉर एंड ड्रग्स व्हिच विल बेनिफिट इंडिया. ऑब्वियसली SCO के जरिए हम लोग जो है ये फोकस करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक अच्छा पीसफुल कंट्री बने और यहाँ पे जो भी टेररिज्म वगैरह वो खत्म हो सके. तो अगर SCO के मेंबर ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए फायदेमंद ही है. डीलिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना, ऑब्वियसली अगर हम SCO का मेंबर बनते हैं तो इसके जरिए हम दोनों से अच्छे से डील कर सकते हैं, पाकिस्तान से और चाइना से भी. आपको पता है यही दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन है. SCO will provide India with a forum where it can constructively engage both in regional context and project India's security interest in turbulent region SWAT. आपको पता है इंडिया को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनी रहती है कि स्पेशली चाइना और किससे लेकर, पाकिस्तान को लेकर. तो अगर इंडिया अच्छे से SCO में डील मतलब मिक्स रहता है तो हम लोग जो है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी बरकरार रख सकते हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया. अगला है टूरिज्म का भी. आपको पता है अगर हम SCO का पार्ट बनते हैं तो इससे टूरिज्म वगैरह भी प्रमोट हो सकता है. गिवन द सेलियंस ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज इंडिया कैन प्रमोट अ रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टूरिस्ट पोटेंशियल सिटीज रीजन फॉर SCO कंट्रीज. कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों भारत को इसको लेकर, SCO को लेकर. देख लीजिए कौन कौन से हैं. अडॉप्ट यूरेशियाज इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी. आपको पता है यूरेशिया जो है इमर्ज हो रहा है जियोपॉलिटिकल रियलिटी, इसकी रियलिटी एक तरीके से बदल रही है जियोपॉलिटिकल रियलिटी, किसकी, यूरेशिया को. तो उससे अडेप्ट करना है भारत को, ये बहुत बड़ा क्या चैलेंज है. देख लीजिए शिफ्टिंग ग्रेटर पावर राइवलरीज इनहेरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस अंडर करंट्स ऑफ बोथ जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉम्पिटिशन एंड डिजायर्स ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट फॉर ग्रेटर स्ट्रेटेजिक मैनओवर हाईलाइट द यूरेशियन चर्निंग दैट इंडिया विल नीड टू नेविगेट. तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें चली आ रही हैं यूरेशिया में. आपको पता है शिफ्ट ऑफ पावर राइवलरीज देखा जा रहा है, इनहेरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस देखा जा रहा है, जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, डिजायर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट फॉर ग्रेटर स्ट्रेटेजिक मैनोवर देखने को मिल रहा है. तो ये सारे के सारे एक तरीके से हाईलाइट्स हैं जो कि इंडिया को दिखाता है कि हम लोगों को अच्छे से नेविगेट करने की जरूरत है इन सारी एक तरीके से चैलेंजेस से. SCO इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चाइनास एंड रशियास फॉरेन पॉलिसी टू कीप US इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर आउट ऑफ सेंट्रल एशिया. तो ऑब्वियसली आपको पता है ये SCO बनाने का एक मकसद आप ये भी कह सकते हो, इसके जरिए चाइना और रशिया जो है USA का जो इन्फ्लुएंस एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में उनसे बाहर रखना चाहता था, ठीक है. तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, इंडिया को समझना पड़ेगा. अगला है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान राइवलरी. SCO members have in past expressed concern of the organization being held hostage to India and Pakistan's adversarial relationship and their fears would likely to have worsened in the recent times. So obviously ye bhi bahut bada issue chal raha hai ki SCO mein acche se kuch decision le nahi pate, kyunki aapko pata hai India Pakistan bahut samay se rivalry chal rahi hai. To isko lekar bhi bahut sare jo countries hain jo SCO ka member hain wo bhi pareshan rehte hain ki bhai in dono ke jo relation hai pehle to kharab the hi the, अब तो और खराब होते जा रहे हैं. तो इस वजह से अच्छे से म्यूचुअल कोऑपरेशन भी नहीं हो पाता, तो यह भी बहुत बड़ा चैलेंज जुड़ा हुआ है. चाइना पाकिस्तान रिलेशन, आपको पता है SCO के जरिए चाइना और पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे रिलेशन हो रहे हैं और भारत एक तरीके से अलग बढ़ता जा रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देख लीजिए चाइना इज पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड. आपको पता है चाइना जो है पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त रहा है एंड इट सपोर्ट्स पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन साउथ एशिया टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया. आपको पता है चाइना जो है हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, जिसके जरिए चाइना चाहता है कि साउथ एशिया में जो है बैलेंस ऑफ पावर बना रहे बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया. इसके जरिए डायरेक्ट फायदा कौन उठाता है, चाइना उठाता है. इन रीसेंट लॉबिंग ऑफ चाइना इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड लिंकिंग इट टू इंडिया बिड फॉर मेंबरशिप ऑफ NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इज इंडिकेटिव ऑफ द हर्डल्स इंडिया में फेस एट द स्ट्रेटेजिक लेवल इन फर्दरिंग इंटरेस्ट इन द SCO. एक और चैलेंज जुड़ा हुआ है डिफरेंस ओवर BRI. आपको पता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का,
उसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस बने हुए हैं इंडिया के। इंडिया इन नवंबर 2020 डिंट जॉइन द अदर मेंबर्स ऑफ एससीओ इन बैकिंग चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आपको पता है जो एससीओ के दूसरे मेंबर्स हैं उन्होंने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको बैक करा था, लेकिन इंडिया ने इस इनिशिएटिव को बैक नहीं करा था। तो एक देख सकते हैं डिफरेंस है बीआरआई को लेकर भारत का। व्हिच इंडिया हैज कंसेंटली अपोज्ड अ की पार्ट ऑफ इट पासेस थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इंडिया क्यों बीआरआई का अपोज करता है, एक बहुत बड़ा ये कारण है कि आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी पास होता है। तो इसलिए इंडिया और बोलता है कि भाई आप तो जो हमारा इलाका है वहां से बीआरआई प्रोजेक्ट पास करवा रहे हो तो हम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। लैक ऑफ कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, तो ये एक बहुत बड़ा इशू जुड़ा हुआ है क्या कि भाई कनेक्टिविटी अच्छे से है रही किसमें, सेंट्रल एशिया और उसके आगे। अ मेजर इंपेडिमेंट इन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया रिमेंस अ स्ट्रेटेजिक डिनायल ऑफ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड बाय पाकिस्तान। ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ा हर्डल बना रखा है जिसकी वजह से हम जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पा रहे। अब तो अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गया जब से तालिबान आया है, तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है। वीक फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, आपको पता है एससीओ को भले बनाया गया हो टेररिज्म को फाइट करने के लिए, लेकिन ये टेररिज्म को फाइट करने के लिए बहुत ही कम इनिशिएटिव लेता है। सो फार द एससीओ हैज नॉट टेकन विजिबल काउंटर टेररिज्म मेजर्स अगेंस्ट द मेन थ्रेट फेसिंग इट्स मेंबर्स व्हिच एमिनेट्स फ्रॉम टेररिज्म एंड टेररिस्ट एंट्री लोकेटेड इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन। ऑब्वियसली एससीओ ने कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, स्पेशली आपको पता है टेररिज्म कहां से उभर कर आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इलाकों से। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि हम लोगों को एससीओ में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है। देख लीजिए, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज सपोर्ट फ्रॉम एससीओ मेंबर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग मेजर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रपोजल। आपको पता है बहुत समय से नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रपोजल जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए कि एससीओ के जरिए हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग द यूरोपियन यूनियन थ्रू रशिया एंड ईरान टू इंडिया नेशन। आपको पता है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसके जरिए हम क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन को किसके जरिए, रशिया के जरिए, ईरान के जरिए, टू इंडिया एंड एशियन, तो इनको कनेक्ट करना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट एंड रेलवे कनेक्टिंग इंडिया थ्रू ईरान टू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, इसको पे भी फोकस करना चाहिए। जो चाबहार पोर्ट है हमारा आपको पता लटका हुआ है यूएसए के प्रेशर की वजह से, यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे, तो इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। व्लादिवोस्तोक चेन्नई सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिंग इंडिया टू रशिया फॉरेस्ट। तो आपको पता है व्लादिवोस्तोक और चाइना का जो सी कम्युनिकेशन कनेक्टिंग है, एक तरीके से हम लोग इन दोनों को रशिया और का जो फॉरेस्ट है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पर भी फोकस करना चाहिए भारत को। दूसरा दोस्तों वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो इंप्रूविंग रिलेशन विद चाइना और पाकिस्तान। ऑब्वियसली अगर आप एससीओ के मेंबर हो, लेकिन अगर आपके दोनों दुश्मन भी इस ग्रुप का पार्ट हैं चाइना और पाकिस्तान, और ऑब्वियसली दुश्मन के साथ आप किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो हमको कोशिश करना चाहिए चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की। इट विल प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एनर्जी एंड रीजनल कनेक्टिविटी एंड इट विल अनब्लॉक इंडियाज एक्सेस टू यूरोप यूरेशिया एंड प्रोवाइड अ फ्लिप टू प्रोजेक्ट लाइक तापी। स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, एक और हमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि भाई एससीओ का तभी फायदा है जब हम मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं, क्योंकि देखिए ना टेररिज्म को फाइट करना है तो टेररिज्म को फाइट करने के लिए तो आपको मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेररिज्म इन द रीजन इट इज इंपेरेटिव फॉर एससीओ कंट्रीज टू डेवलप अ कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक कोऑपरेटिव और सस्टेनेबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करना है जो कि रेड्स को मोर इफेक्टिव बनाएगा, वरना तो रेड्स जो है बेकार ही रहेगा। वे फॉरवर्ड में एक और चीज लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट रोल इन कार। कार क्या है, सेंट्रल एशियन पावर्स ठीक है आर सैंडविच बिटवीन चाइना और रशिया एंड फाइंड देमसेल्फ इंक्रीजिंगली ड्रॉन इनटू चाइनास इकोनॉमिक थ्रोल। दे कंस्टेंटली सीक न्यू पार्टनर्स एंड इंडिया ऑफर्स एन अल्टरनेटिव दे कैन अप्रिशिएट एंड वर्क विद देम। तो दोस्तों आपको पता है सेंट्रल एशिया जो है पहले जो है चाइना और रशिया इन दोनों के बीच में खेलता रहता था, लेकिन अब तो पता है आपको रशिया जो है काफी कमजोर हो चुका है, चाइना जो उभर कर आ चुका है, इसी वजह से जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में वो काफी देखने को मिलता है। और सेंट्रल एशिया वाली कंट्री ये चाहती है कि भाई हम लोग जो है एक कंट्री पे डिपेंड ना रहे, तो इंडिया जो है वो रशिया की जगह ले सकता है और रशिया का जगह लेकर इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस फैला सकता है ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव रोल करना चाहिए इसमें इस चीज को लेकर। इंडिया रिटेन्स द इनरेंट पोटेंशियल टू बैलेंस कंपीटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ इंडिया जो है ऑब्वियसली बैलेंस कर सकता है कंपीटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को।
इट्स बिगिनिंग इमेज पॉजिटिव हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड एक्सपर्टाइज इन डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्लेस इंडिया अ क्रेडिबल पार्टनर फॉर कार इन द इन देयर कैलकुलेट्स टू स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विज़ाविज़ रशिया एंड चाइना. ऑब्वियसली इंडिया, आपको पता है इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो काफी पॉजिटिव रही है, ठीक है, और इंडिया जो है डेवलपमेंट के मामले में भी काफी बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली इस वजह से जो है चाइना इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में बैलेंस कर सकता है पावर को, है ना. रशिया की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं पोजीशन अटक गई है, उसके एक तरीके से रिप्लेस करके चाइना के साथ क्या कर सकता है, बैलेंस पावर कर सकता है. मतलब सेंट्रल एशिया में जो है सेंट्रल एशिया वाली कंट्री को ज्यादा चाइना पे डिपेंड ना होना पड़े, तो इंडिया जो है उस चीज को पावर को बैलेंस कर सकता है, ठीक है. मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये अगला वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो. इंडिया शुड रिटेन इट्स इंडिपेंडेंट वॉइस अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ अदर मेंबर्स इन द ग्रुपिंग. तो ऑब्वियसली इंडिया को फोकस करना चाहिए और अपनी आवाज उठाना चाहिए. अगर इंडिया को लगता है कि एससीओ में कोई पर्टिकुलर मेंबर डोमिनेट कर रहा है तो उसको लेकर भी आवाज उठानी चाहिए. स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, हम लोगों को पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए. इंडिया कैन स्टेप अप नॉन गवर्नमेंटल एक्सचेंज एंड स्पीड अप पर्सनल एक्सचेंज. स्ट्रेंथ कर सकता है एजुकेशनल कोऑपरेशन, डीप कर सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट विद एससीओ मेंबर्स. तो इन सारी चीजों पे इंडिया फोकस कर सकता है दोस्तों, ठीक है. अब दोस्तों एससीओ का वर्किंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो दोस्तों द हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो एससीओ में होती है. दूसरा दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वर्किंग स्ट्रक्चर वो है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ये डिस्कस करते हैं द स्ट्रेटजी फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड प्रायोरिटी डायरेक्शन. और तीसरा जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो है टू परमानेंट बॉडीज होती है. टू परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी होती है, एक होती है दोस्तों द सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ एससीओ. तो दोस्तों जो सेक्रेटरिएट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है जो भी एक्टिविटी ली जाती है एससीओ और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल लीगल ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल सपोर्ट. और इसके अलावा जो दूसरी परमानेंट बॉडी है वो है रैट्स, जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे थे. तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये वर्क करता है फॉर कंबैटिंग रीजनल टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को. और वर्किंग स्ट्रक्चर देख लीजिए द एससीओ बिजनेस काउंसिल फॉर एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन. तो दोस्तों ये भी है एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम भी है फॉर एक्सपेंडिंग बैंक सर्विस, ठीक है. तो ये सारा का सारा वर्किंग स्ट्रक्चर है. यहाँ पे रीजनल एंटी, एक सेकंड दोस्तों, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में रेट्स के बारे में. द एग्रीमेंट ऑन रेट्स एज अ परमानेंट एससीओ बॉडी वॉज साइंड इन 2002. आपको पता है रेट्स जो है एससीओ का ही परमानेंट बॉडी है और इसको 2002 में साइन करके बनाया गया था. रेट्स हैज बिन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कम्बैटिंग टेररिज्म. मैंने बता दिया रेट्स किस चीज के लिए काम करता है, टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को कम्बैट करने के लिए काम करता है रीजनल और ग्लोबल लेवल पे. रेट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ फॉर एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ एससीओ मेंबर्स. ऑब्वियसली ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके जरिए इंटरकनेक्शन हो सके किस चीज के लिए, फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट्स फ्रॉम ट्रांसनेशनल क्राइम्स एसोसिएटेड विद टेररिज्म, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन हो गया, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स हो गया, वेपन एक्सप्लोजिव. तो इन सबसे लड़ाई करने में मदद करता है. रेट्स के वर्किंग रिलेशन, अंडर रेट्स वर्किंग रिलेशनशिप द मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन टू ट्रैकल टेररिज्म. तो ऑब्वियसली रेट्स के अंतर्गत जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ और जो दूसरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मतलब ग्लोबल लेवल पे और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि आपको पता है टेररिज्म वगैरह को लेकर फाइट करती होंगी, तो उनसे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता है. रेट्स ऑल्सो मेंटेन्स अ डाटाबेस ऑफ टेररिस्ट. ऑब्वियसली टेररिस्ट का डाटाबेस मेंटेन करता है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस मेंटेन करता है फ्रॉम अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज. विद इन द रेट्स फ्रेमवर्क द